उसमें कोई खर्चा नहीं है। और दूसरा रहता है बैटरी लगा सकते हैं उसमें, बैटरी एक बार लगा दिया तो वो भी 3 महीने चलेगा। तो इस तरह से हमने सोचा कि जनता को मदद करने का यही रास्ता है कि एक बार रेडियो हम दे दिया, तो रेडियो से सभी लोग आप लोग समाचार सुनेंगे क्या स्कीम है, बाकी गाना तो सुनेंगे, सभी को थोड़ा दिमाग हल्का करने के लिए गाना भी सुनना पड़ता है, अच्छा लगता है। तो गाना भी नमक खाने ज़्यादा खाने से बीमारी होता है, तो हम टेस्ट के लिए नमक ज़्यादा खाते हैं। वैसे भी खाना अगर अच्छा नहीं है तो उसमें उसको अच्छा बनाने के लिए नमक डाल देते हैं, वो नमक डालते हैं, डालने में तो फिर खाना खा लिया अच्छा लगा लेकिन नहीं करेंगे तो वो फिर से दोबारा हो जाएगा। आपका उसमें हमारी फिक्र क्या लगता है कि आपका नमक कम खाना पड़ेगा, लेकिन आपने अभी तक नमक खा रहे हैं और बीपी ज़्यादा है, उसको हम एक बार में कम करने के लिए दवाई दे देंगे। कि आपके पास कोई भी पैसा नहीं, जीरो बैलेंस है, तो आप जन धन अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये इसके बारे में कैसे पता चलेगा आपको, जब आप लोगों के पास कुछ साधन हो, साधन कहाँ से आ सकता है, एक तो टीवी है, एक तो रेडियो है और एक अखबार है। इसके अलावा कई सारे जनता का स्कीम निकालते हैं, जैसे मैं पवन कुमार तिवारी CRPF 189 बटालियन, हमने एक सिविक एक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं हरिशंकर में और खपरा खोल में, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सेक्टर मुख्यालय CRPF उड़ीसा भुवनेश्वर के आदेश पर, इसमें हम जनता के इलाके को चुना है, 18 गांव हरिशंकर इलाके का और 18 गांव खपराखोल इलाके का, दोनों इलाकों में हम रेडियो सेट फिलिप्स के बांटेंगे, क्योंकि जो सरकार की नीतियां आती हैं, नीतियों के बारे में जनता को पता नहीं चल पाता, और बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो जनता के वेलफेयर के लिए हैं, वो उसको में भागीदार नहीं बन पाते, इसके खबर अपडेट रखने के लिए हम रेडियो सेट गरीबों को बांट रहे हैं। इसके अलावा हम सोलर लैंटर्न बांट रहे हैं, जो जैसे बिजली चली जाती है और कई इलाकों में, और कुछ समय के लिए बिजली रहती है, बाकी समय के लिए नहीं रहती है, तो सूरज की रोशनी से अगर लालटेन को रिचार्ज कर देंगे तो वो रात भर चलता रहेगा, इस तरह से हमने बंदोबस्त किया सोलर लैंटर्न का। इसके अलावा हमने मेडिकल कैंप रखा है, जो गरीब लोग हैं जो अपनी दवाइयों पर खर्चा नहीं कर सकते, डॉक्टर को दिखाने की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से खर्चा नहीं कर सकते, तो हमने मेडिकल कैंप रखा है। इस तरह से हम ये जनता की सहायता करके हम उन जनता के बीच में घुला मिलना चाहते हैं, हम अपना दूसरा चेहरा दिखाना चाहते हैं कि हम केवल नक्सलवादियों से ही नहीं लड़ते हैं, हम नक्सलवादियों के अलावा हम इस तरह की जनता के कल्याण की कार्य भी करते हैं। जैसे इसके पहले हमने पिछले साल कंबल बांटे थे, पानी की टंकियां बांटी थी, कपड़े बांटे थे, इस तरह से हम पहले किताबें बांटी थी, हमने पढ़ाई लिखाई की किताबें बांटी थी, और इसके और भी इस तरह के हम कार्यक्रम करते रहते हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स के इवेंट कराते रहते हैं, वॉलीबॉल का मैच रखते हैं, फुटबॉल का मैच रखते हैं, क्रिकेट का मैच रखते हैं, जनता के साथ एक तरफ हमारी टीम रहती है, एक तरफ किसी स्कूल की कॉलेज की टीम रहती है। इसके अलावा हम रोज़गार में मदद करते हैं, हम CRPF में भर्ती कैसे होती है और बाकी गवर्नमेंट की नौकरियों में भर्ती कैसे होती है, इस तरह कोचिंग करवाते हैं, और इसके अलावा हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे 3 महीने का हम कंप्यूटर की डिग्री कोर्स करवाया, उससे उसका जीवन यापन चलता है। इसके अलावा हम ब्लड डोनेशन का बीच बीच में ब्लड डोनेशन करते रहते हैं, और इससे जनता के बीच का टॉयलेट वगैरह बनवाते रहते हैं। तो आज का कार्यक्रम मेनली है रेडियो सेट बांटना और सोलर लैंटर्न बांटना और मेडिकल कैंप बांटना। धन्यवाद।